हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल एड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, प्रैक्टिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसा कि बी एल एड थर्ड ईयर और जो लास्ट ईयर फोर्थ ईयर वाले हैं, तो उनका अब प्रैक्टिकल होने वाला है। डेट तो अभी नहीं आई है, लेकिन जब आएगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी, इन्फॉर्म करती रहूँगी। और बाकी आप लोग भी थोड़ा, जो भी आप लोगों को डाउट रहे, आप डाउट कमेंट करके अपना लिख दीजिएगा, मैं जैसे भी टाइम रहेगा उस अकॉर्डिंग आंसर करूँगी। बाकी बी एल एड थर्ड ईयर और लास्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल होने वाला है, तो उसमें इंटर्नशिप से रिलेटेड जो फाइल बनाना है, थर्ड ईयर वालों को एक मंथ के लिए बनाना है, जबकि जो लास्ट ईयर वाले हैं उनको 3 या 4 मंथ के लिए बनाना है, क्योंकि बीच में कोविड का थोड़ा इशू आ गया था, तो इसके कारण उनको 4 मंथ का नहीं तो 3 मंथ का बनाना है। तो कैसे हमें हेडिंग, कितने हेडिंग हमें रखना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या बनाना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, इन सब के बारे में बताना है। तो जैसे कि अगर आपने जो भी इंटर्नशिप किया है उसके ड्यूरिंग कोई भी अगर आप फेस्टिवल जैसे बीच में आया है, तो उन सबको भी इन्वॉल्व करना है। कहाँ पर करना है, इन सब के बारे में आगे मैं अभी डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि थर्ड ईयर वाले बना रहे हैं, फोर्थ ईयर वाले बना रहे हैं, तो इन सब का सेम रहेगा, यानी हेडिंग वगैरह सब सेम रहेगा। बस यही ये है कि जैसे कि डे वाइज जो हमने टीचिंग किया है इंटर्नशिप के चलते, तो डे वाइज जो टीचिंग है थर्ड ईयर वालों का केवल 1 मंथ का रहेगा, और जो लास्ट ईयर वाले हैं उनका 3 या 4 मंथ का जैसा भी हो उस तरीके से रहेगा। तो एक बार हेडिंग आप लोग देख लीजिए कि हेडिंग किस तरीके से हमें करना है, कैसे कैसे क्या करना है, या इंडेक्स जो बनाना है उसमें क्या कितनी हेडिंग डालनी है, इन सब के बारे में मैं बता दे रही हूँ। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर PDF आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं सेंड कर दूँगी। बाकी जैसे कि आपका ये जो सर्टिफिकेट एक मिलता है, जहाँ पर जैसे कि आपने इंटर्नशिप किया है, तो वहाँ का एक सर्टिफिकेट मिलता है इस तरीके से, उसमें आपका नाम रहेगा, और बाकी इस तरीके से जब से आपने इंटर्नशिप स्टार्ट किया है वो सब रहेगा, और आपका ये आपके स्कूल वाले यानी जहाँ पर आपने इंटर्नशिप किया है वो देंगे, वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम होती हैं वो देती हैं। तो हमें तो मिल गया है, आप लोग भी इस तरीके से, और ये जैसे कि आपने परमिशन लिया था स्टार्टिंग में कि हमें इंटर्नशिप इस स्कूल में या कॉलेज में चाहिए, तो उसका फ़ोटोकॉपी भी लगता है। तो 2 पेज स्टार्टिंग का ये लगेगा, उसके अलावा जो भी हेडिंग है मैं बता दे रही हूँ एक बार आपको। जैसे इंडेक्स में है, मेरे में टोटल बना है 20 हेडिंग्स हैं टोटल मेरे में, तो एक दो सब में आगे पीछे मतलब हो सकता है कि एक दो हो सकता है आप लोगों ने ज़्यादा लिख लिया हो या जो भी हो, तो मेरे कॉलेज में जैसे जो हेडिंग बताई गई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, तो फिर इसमें 20 हेडिंग्स टोटल हुई हैं। बाकी जैसे कि इंक्लूसिव एजुकेशन वगैरह हो गया, स्पेशल एजुकेशन हो गया, तो ये सब एक्स्ट्रा में अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बाकी आपके कॉलेज वाले बताए होंगे कि इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो जैसा कि पहला हेडिंग है एक्नॉलेजमेंट, यानी इसमें आभार प्रदर्शन करना रहेगा, और फिर उसके बाद दूसरा है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, यही सर्टिफिकेट जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो सर्टिफिकेट लगाना रहेगा। फिर तीसरी हेडिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप या जो है आपका उस प्रशिक्षुता, हिंदी में इसको प्रशिक्षुता बोलते हैं, तो प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रो देना रहेगा। फिर उसके बाद है डिटेल ऑफ द स्कूल, यानी जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है सबके बारे में थोड़ा डिटेल देना रहेगा, इसमें डिटेल ऑफ द स्कूल यानी स्कूल के बारे में डिटेल देना रहेगा, विवरण देना रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है 5th वाली, उसमें है कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इस सब में जैसे कि वहाँ अगर लाइब्रेरी है या कंप्यूटर रूम है या लैब वगैरह है, साइंस लैब है, इन सब के बारे में पूरा करना है, या प्लेग्राउंड है, फिर उसके बाद वाटर कूलर है, जो भी एक बिल्डिंग में मतलब एक स्कूल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, जो उसके अंतर्गत जो जो चीज़ आए, जैसे नल हो गया, स्कूलर हो गया, या वो सब हो गया, प्लेग्राउंड वगैरह हो गया, और वहाँ स्टडी रूम कितने हैं, स्टाफ रूम है कि नहीं है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल इसमें लिखना रहेगा। तो ये इसमें लिखना रहेगा। फिर उसके बाद है रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी वहाँ के जो स्कूल, जिस स्कूल में आपने इंटर्नशिप किया है वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या थे, यानी नियम कानून किस तरीके से थे, क्या करना वहाँ, मतलब बच्चों को किस तरीके से, किस टाइम पर आना है, किस टाइम पर जाना है, अगर रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या उनको पनिश किया जाता है, इस तरीके से वहाँ का ये लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा कि वहाँ पर जैसे फीस जमा करना, फीस उसका तो आगे बताया ही जाएगा अभी, तो ये 7th पॉइंट में है।
कि स्कूल फी स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ सबमिशन, यानी जो स्कूल फ़ी आप देखते होंगे कि इंटर्नशिप के दौरान बच्चे फ़ी सबमिट करते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, यानी उसका क्या प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, इन सब के बारे में, और जैसे कि अगर बच्चा लेट जमा कर रहा है तो उसके क्या नियम कानून है, उन सब के बारे में है, कैसे कितना, अगर वो 20 दिन लेट करता है तो उसका पनिश वाला मतलब शुल्क कितना लगता है, फ़ी शुल्क जो बोला जाता है मतलब पनिश के रूप में, यानी कि अगर उसने लेट जमा किया है तो उसके लिए उसको दंड के रूप में थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ता, मतलब लेते हैं स्कूल वाले, तो उन सब के बारे में कितना कैसे लेते हैं, तो इस सब के बारे में लिखना है। फिर 8th हेडिंग है, इसमें है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप के दौरान आप लोगों ने जो हॉलीडेज था आप लोगों को मिला था, यानी हॉलीडेज हुई थी, उन सब का एक लिस्ट लिखना है। इसमें केवल जैसे कि आपको डेट लिखना रहेगा और उसके बाद उस डेट को किस जयंती या किस त्यौहार किस फेस्टिवल के कारण छुट्टी हुई थी उसका थोड़ा सा डिटेल देना रहेगा। डिटेल तो नहीं, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, हेडिंग डालकर ऐसे छोड़ देंगे, यही ज़्यादा सही रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सेलिब्रेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज ड्यूरिंग इंटर्नशिप, यानी कि इंटर्नशिप के दौरान आपका जो इम्पॉर्टेंट डे आपके स्कूल में जहाँ पर आपका इंटर्नशिप हुआ था वहाँ सेलिब्रेट किया गया था, उसका सेलिब्रेशन हुआ था, तो उसका उसके बारे में उसके उसका साथ में पिक्चर भी पिक्चर वगैरह रहे कि आप ये विद प्रूफ रहे कि आप लोगों ने वास्तव में किया है कि नहीं, किस तरीके से किया है, तो उस सबको बारे में लिखना रहेगा। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना रहेगा कि जैसे कि अगर 14 नवंबर को था जैसे हम लोगों का, तो नवंबर से स्टार्ट था, नवंबर से लेकर के मार्च तक था, तो नवंबर में जैसे 14 नवंबर था तो चिल्ड्रंस डे था, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण देना था और हमने क्या किया करवाया बच्चों से, तो वो सब के बारे में लिखना रहेगा। फिर 25 दिसंबर था तो क्रिसमस डे था, तो इन सब के बारे में लिखना रहेगा। फिर इसके बाद 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे था, तो इन सब के बारे में। फिर इस तरीके से अगर होली बीच में आई थी या सेलिब्रेशन किया गया है स्कूल में तो उसके बारे में लिखना रहेगा। फिर गाइस उसके बाद है 10th पॉइंट या हेडिंग है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द इंटर्नशिप स्कूल, यानी कि जो टीचिंग स्टाफ वहाँ के हैं, जैसे कि वो चाहे टीचिंग से रिलेटेड हों या बाकी वहाँ के जो वर्कर होते हैं जो मतलब साफ़ सफाई का काम करते हैं या अन्य वर्क करते हैं, तो उन सब के बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है और उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की है या उनकी स्टडी मतलब कितनी हुई है, इन सब के बारे में लिखना है। फिर है नेक्स्ट हेडिंग है सिलेबस कवर्ड बाय द इंटर्न, यानी कि इंटर्न यानी हम लोगों के द्वारा जो हम वहाँ इंटर्नशिप करने गए हैं, तो हम करने गए हैं तो हमें इंटर्न बोला जाएगा, तो हमने सिलेबस कितना कवर किया है उसके बारे में इसमें लिखा जाएगा। फिर है टाइम टेबल ऑफ द इंटर्न, यानी हमारा टाइम टेबल वहाँ समय सारणी कैसे था, हम किस पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इन सब के बारे में लिखना रहेगा। फिर है इंटर्न टीचिंग रिकॉर्ड, इसमें जैसे कि आपका डे वाइज आपने कैसे क्या किया है उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, यानी डे वाइज आपने फर्स्ट डे क्या किया है, सेकंड डे क्या किया है, थर्ड डे क्या किए हैं आप लोग, कॉपी चेक किए हैं तो उसको लिखना, या पॉइंट वाइज ऐसे करके लिखना। बाकी आप जैसे लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें पूरा लिखते हैं, डेट डालते हैं आप, क्लास डालते हैं, टॉपिक डालते हैं या सब्जेक्ट डालते हैं, फिर उसके बाद ड्यूरेशन डालते हैं, पीरियड डालते हैं, तो ये 6 हेडिंग डालकर जो आप लिखते हैं, उसके बाद पॉइंट वाइज करके आपको अपना टीचिंग रिकॉर्ड का डेली लिखना है कि आपने इस दिन में क्या पढ़ाया था। जैसे कि आपको 2 पीरियड मैक्सिमम, हम लोगों को बताया गया है कि 2 पीरियड का मैक्सिमम करना है, बाकी कभी आप 1 पीरियड पढ़ाए होंगे, कभी 2 पीरियड पढ़ाए होंगे, तो जिस जैसे पढ़ाए हों तो उसके बारे में वैसे लिखना है, उस टॉपिक में आपने लिखवाया है, पढ़ाया है, तो जो करवाया है उस सबको करना रहेगा। तो ये आपका हो गया इंटर्न टीचिंग रिकॉर्ड। फिर उसके बाद है मॉर्निंग असेंबली, यानी कि जो सुबह सभा होता है बच्चों का, उसमें प्रेयर होता है, प्रेयर के बाद जो आवश्यक सूचना रहता है उस दौरान या न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देनी रहती है, क्या करंट में चल रहा है, ये सब आपके मॉर्निंग असेंबली में होता है। तो क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है और कौन कौन सी वंदना होती है या शपथ अगर होता है तो किस तरीके से होता है, तो ये सब भी आपको लिखना है इस मॉर्निंग असेंबली में। फिर उसके बाद है को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो मतलब जो कि शिक्षण के दौरान जो सहयोगी क्रियाएँ कराई जाती हैं ताकि टीचिंग और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, तो उसके तो वो है को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे खेल कूद कराया जाता है या कोई कल्चरल डांस वगैरह कराया जाता है या कल्चरल प्रोग्राम कराया जाता है या कविताएं कराई जाती हैं, डिबेट कराया जाता है,
स्पीच वगैरह होता है, तो ये सब जो कि शिक्षण के साथ साथ जो अन्य क्रियाएं कराई जाती हैं जो शिक्षण को या टीचिंग को इफेक्टिव बनाई जाए, तो इन सब के बारे में अगर कराया गया है तो फोटो वगैरह चिपकाना है और लिखना है, और क्या होता है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इसके बारे में बताना है। शिक्षण सहगामी क्रियाएं हो गया। फिर उसके बाद है स्कूल एग्जामिनेशन, यानी कि जो विद्यालय का एग्ज़ाम होता है वो किस तरीके से होता है, ईयरली होता है, मंथली होता है या हाफ मंथली होता है, और फिर इस तरीके से जो भी होता है, त्रैमासिक होता है, वार्षिक होता है, छमाही होता है, जो भी होता है, तो वहाँ का जैसे होता है शेड्यूल वो सब पूरा लिखना रहेगा। फिर है प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि जो इवेल्युएशन का प्रोसीजर वहाँ अपनाया जाता है तो वो किस तरीके से होता है, इनके बारे में लिखना है। इसी में आपको CCE के बारे में भी लिखना है। आपको स्कूल एग्जामिनेशन आपका हो गया, तो जैसे कि आपका CCE इसके अंतर्गत भी आप लिख सकते हैं, आप कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, थोड़ा सा इसमें लिख दीजिएगा कि ये क्या होता है। इसमें फॉर्मेटिव या समेटिव जो एग्जामिनेशन होते हैं, इवेल्युएशन होते हैं, समेटिव या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, ये सब क्या होता है, थोड़ा बहुत ये भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर उसके बाद है प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन, ये हो गया। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो अटेंडेंस लिया जाता है, उपस्थिति ली जाती है डेली टू डेली, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस सब के बारे में लिखना रहेगा। फिर है रिलेवेंस ऑफ PTM, यानी पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता है उसमें बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा, प्रदर्शन रहा, वो इस मंथ या इस साल या मतलब जो भी है इस वीक जैसा रहा वैसा पूरा बताया जाता है इस मीटिंग में, और बच्चों में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं, बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं, इस टाइम उनको कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जो भी रहता है वो टीचर और पेरेंट मिलकर के आपस में समझते हैं, तो उसका PTM का क्या रिलेवेंस होता है, इन सब के बारे में लिखना है। फिर लास्ट में आपको लिखना है समरी एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटर्न, यानी पूरा सारांश लिखना है, और एक इंटर्न का रिफ्लेक्शन क्या होता है इस सब के बारे में लिखना है। यहाँ छोटा सा आप माई एक्सपीरियंस करके आप अपना वो भी ऐड कर सकते हैं कि आपने क्या अनुभव किया। तो इस तरीके से ये 20 हेडिंग पूरा हो गया है, मैंने इसे 20 हेडिंग बनाया है। आप लोगों में जैसे जैसे निर्देश किया गया हो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा। बाकी जो भी आपको जैसे कोई भी हेडिंग वगैरह अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रोवाइड करवाऊँगी PDF के रूप में या ऐसे ही आपको मतलब ओरली ऐसे बोल दूँगी, तो जो भी दिक्कत रहेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मुझे आशा है आप लोगों को हेडिंग से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएंगी, आप लोग समझ गए होंगे, बाकी आप लोगों का बहुत लोगों का तो बन भी गया होगा, तो बन गया हो तो और अच्छा, बाकी आप लोग जो भी दिक्कत हो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।